कैरेबियन प्रीमियर लीग से लौटेंगे नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान संदीप लामिछाने। उनके ऊपर नाबालिग से रेप करने के आरोप में काठमांडू के जिला कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। वहीं कल नेपाल क्रिकेट संघ ने संदीप को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि क्रिकेटर लामिछाने इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो के कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं। बीते मंगलवार को लामिछाने के खिलाफ 17 साल की नाबालिग से रेप के आरोप का मामला दर्ज हुआ था। वहीं गौशाला थाना क्षेत्र में कुकर्म का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जिला अदालत से संदीप लामिछाने के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। काठमांडू जिला कोर्ट ने संदीप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद उन्हें नेशनल क्रिकेट टीम से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने जिला अदालत द्वारा संदीप लामिछाने की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी के नाम ना बताए जाने की शर्त पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कहा। जिला अदालत ने संदीप लामिछाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय टीम के कप्तान 22 अगस्त को नेपाल से रवाना हुए थे। शिकायत की घटना एक रात पहले की है और सुबह वह केन्या के लिए रवाना हुए। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें MGV डिजिटल इंडिया।